बीएचटीसी परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। आपको बता दें 12:30 बजे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आपका परिणाम घोषित कर दिया गया था। साथियों, थोड़ा सा सर्वर पर लोड है, इसके कारण हो सकता है आप अभी रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो। थोड़ा इंतजार करें, इसके बाद में सर्वर पर लोड कम हो जाएगा और आप अपना परिणाम देख पाएंगे। साथियों, आपको बता दें कि प्री डीएलएड परीक्षा का जो परिणाम है, इसमें अब केवल जनरल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रवीण कुमार हैं और संस्कृत वर्ग में मनीषा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पूरे राजस्थान में। इस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई दी है। और परिणाम चेक करने के लिए आपको बता दें, यदि आप परिणाम चेक और साथियों आपको यदि रिजल्ट देखना है तो ये bstc2019.org पर जाकर के आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल ही आपको बता दिया था साथियों कि शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट करके ये कंफर्म कर दिया था। बहुत से साथी कह रहे थे कि रिजल्ट झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा हमारे चैनल के द्वारा साथियों कहा गया था, एक बार फिर हमारे चैनल की प्रमाणिकता पर मोहर लग चुकी है और आपका रिजल्ट ठीक सटीक 12:30 बजे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जारी कर दिया गया था। ये देखिए साथियों, रिजल्ट के लिए जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल हाईलाइट होता हुआ न्यू का बटन आपको दिखाई देगा। फिलहाल थोड़ा सा सर्वर पर लोड है, आप इंतज़ार करें। बिल्कुल 1 घंटे बाद सर्वर नॉर्मल हो जाएगा और आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो साथियों, एक बार फिर से हमने आपके लिए सबसे पहले सटीक न्यूज़ दे दी थी और आपको प्रूफ के साथ बताया था कि 24 घंटे पहले शिक्षा मंत्री जी ट्वीट कर बताएंगे। उन्होंने कल ट्वीट किया 12:43 पर और आज रिजल्ट जारी होने के बाद भी उन्होंने ट्वीट किया, जैसा हमने आपको बताया कि जनरल में प्रवीण कुमार और संस्कृत विभाग में मनीषा ने पूरे राजस्थान में टॉप किया है। फिर भी साथियों, आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और साथियों, हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्रमाणिक और विश्वसनीय न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले और प्रमाणिक न्यूज़ देने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले